एज्रा की पुस्तक अध्याय चार। एज्रा की पुस्तक अध्याय चार। जब यहूदा और बन्यामिन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसहरदोन, जिसने हमें यहां पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, येशू और इसराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुसरू की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोर्थ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। क्षयर्ष के राज्य के पहले दिनों में तो उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्तक्षत्र के दिनों में बिशलाम, मिथदात और ताबेल ने और उसके सहचारियों ने फारस के राजा अर्तक्षत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी आरामी अक्षरों और आरामी भाषा में लिखी गई। अर्थात रहूम राजमंत्री और शितश्रय मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशय मंत्री और उसके और सहचारियों ने अर्थात दिनी अपसर्तकी, तर्पली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान उष्ण पर ने पार ले आकर शुमरो नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्तक्षत्र राजा को लिखी उसकी यह नकल है, तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य है इत्यादि, राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर पनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन चुके, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं, और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, इसलिए कि तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए। तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है, और इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहर पनाह बन चुके, तब तो इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशय मंत्री और शोमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके और सहचारियों के पास यह उत्तर भेजा कि कुशल इत्यादि, जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई, और मेरी आज्ञा से खोज की जाने पर जान पड़ता है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थ्य राजा भी हुए जो महानद के पार के समस्त देश पर राज्य करते थे,
और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए और चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना। राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए? जब राजा अर्थशास्त्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उसके सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरिया से उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा।